शालोम मालेखेम मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज जो हम देखने वाले हैं वो तो एक अद्भुत वचन है जो हम सभी के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि ये हर जीवन को टच करने वाला वचन है, जिसमें कहते हैं जो वचन है वो है गलातियों की पत्री उसका 6:9 आयत, जिसमें यह है कि हम भले काम करने से याव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम कायर न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं प्रभु मसीह के लिए, हम कुछ ना कुछ बोझ लेके चल रहे हैं। परमेश्वर ने हम हरेक को, जब से हम नया जीवन पाते हैं तब से हमें एक बोझ दिया है उसकी लोग के लिए, उसकी प्रजा के लिए, उसके राज्य के लिए, और हम उस बोझ को लिए हमसे जो बन पड़ता है वो हम काम करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम हमने चालू किया उसको छोड़े नहीं, उसके प्रति हम कायर ना हो, परंतु जो भी परिस्थिति हो उसमें से उस कार्य को लगातार चालू रखे, जिससे कि योग्य समय पे हमें वो कटनी करने मिलेगी, उस कार्य का फल हमें मिलेगा। परंतु कार्य हमें बीच में नहीं छोड़ देना है, हम थक नहीं जाना है, हमें कायर नहीं हो जाना है, तभी परमेश्वर का काम फल लाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें एक ऐसे पात्र की तरफ लेके जा रहा है, वो जो बहुत सामान्य पात्र था, जो प्रभु की सेवा में नहीं था, पर फिर भी उसने प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए जो किया वो अद्भुत था। हम जब भी परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं तो सबसे पहली चुनौती, सबसे पहला जो हर्डल होता है वो हमारे घर से होता है। हमारे घर के लोग हमें उस बात से हमेशा परे रखना चाहते हैं। कई जीवन ऐसे होते हैं जो घर के दबाव की वजह से, अपने माँ बाप की वजह से कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाते और वहीं टूट जाते हैं, उनकी सीमाओं में बन जाते हैं। फिर हमारे आसपास के लोग हमें बुद्धू समझते हैं, हमें समझते हैं कि हम पागल हो गए हैं, हमारे मित्र हमारा अपमान करते हैं और हमें तुच्छ गिनते हैं, और हम उनसे बहुत अलग होते हैं, इसलिए वो हमसे अलग तरह से गुस्सा भी होते हैं। परंतु इन सभी बातों से परे रह के हमें थकना नहीं है, हमें इन सारी युक्तियों के अगेंस्ट में हमें सारी ही इन चीजों से कायर हो के अपने कार्य को छोड़ नहीं देना है, परंतु जो परमेश्वर ने बोझ दिया है उस बोझ को लेके सदा आगे बढ़ते रहे, और जो कार्य हमें दिया गया है उसमें लगातार हम आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु के कार्य को पूर्ण करते रहे कि जब भी वो फल ला पाए। आज जो पात्र की मैं बात कर रहा हूँ वो तो है नहमिया। नहमिया के जीवन में हम देखते हैं कि वो गुलामी के देश में होता है, जहाँ वो राजा की सेवा कर रहा होता है, वो वहाँ का एक खास पद पे होता है जहाँ वो लगातार राजा के साथ उसका उठना बैठना होता है, वो एक पात्र वाहक होता है जो राजा को हमेशा खुश रखता है, उसके समीप रह के राजा की खुशी में बढ़ोतरी करता है। राजा का सबसे विश्वसनीय पात्र वो होता है कि जिसपे राजा आंखें मूंद के भरोसा कर सकता है। पर एक दिन क्या होता है कि जब यरूशलेम से लोग नहमिया के पास आते हैं तो नहमिया उनसे अपने लोगों के बारे में पूछता है, क्योंकि परमेश्वर ने नहमिया के मन में अपने लोगों के लिए बोझ दिया हुआ होता है। वो अपने लोगों की खबर पूछता है, जैसे आज हमारे कई सेवक, जैसे पौलुस का हम उदाहरण ले तो पौलुस एक जगह पे अपना सुसमाचार देने के बाद चला गया, उसके बाद पौलुस लगातार उन लोगों की खबर लेता था कि उनके जीवनों में क्या चल रहा है, पत्रों के द्वारा उनकी सुधि लेता था, और भी सेवक जो उस प्रदेश से वापस आते थे उनको वहाँ की खबर पूछता था, क्योंकि पौलुस को उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए बोझ है। आज सेवक जब वापस जाते हैं तो हम कई सेवक वापस से फोन के द्वारा, पत्रों के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा अपने लोगों की खबर लेते रहते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनका जीवन अभी कैसा है प्रभु में, कहीं डक तो नहीं गए, कहीं टूट तो नहीं गए, कहीं गिर तो नहीं गए। उसी तरह से नहमिया को अपने लोगों के लिए एक बोझ था। उनकी जब हालत उसने सुनी कि बहुत खराब हालत है और यरूशलेम का जो दीवार था वो टूट गया है, दरवाजे जो थे वो टूट गए, तब वो बहुत ही दुखी हो गया। 5 महीने तक दुखी रहा। तब जब राजा को पता चला कि नहमिया तो दुखी है, तो राजा ने उसको पूछा कि तुम्हारे मन में क्या दुख है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तब वो हिम्मत करके राजा से विनती करने से पहले परमेश्वर से विनती करता है कि जो भी वो बोले वो शब्द सही शब्द से वो राजा के आगे बोल पाए, क्योंकि राजा तो अपनी गवर्नमेंट के जैसे नहीं था। राजा जो था वो बहुत ही गुस्सेल राजा होते थे, उसकी हजूरी में कुछ भी शब्द बोलने से पहले सोचना पड़ता था। इसीलिए नहमिया ने पहले प्रार्थना करी और फिर वो राजा को बोलता है अपने लोगों के पास जाने के लिए। तब राजा उससे बहुत प्रसन्न थे और उसकी जो भी सेवकाई उसने राजा के यहाँ करी थी उसके वजह से राजा उससे बहुत खुश थे। राजा ने उसको यरूशलेम जाने दिया। उतना ही नहीं, परंतु नदी पार जाने के लिए उसके साथ उसके सैनिक और घोड़े सवार भी गए और उसको पत्र लिख के उसकी मदद करी कि उसको लकड़ियां और जो भी सामान उसको
चाहिए था वो उसको ठीक से मिल जाए, उसके लिए सारे प्रबंध राजा ने करके उसको भेजे थे। राजा की कृपा इसके ऊपर इसलिए थी क्योंकि जो वो वहां पे काम कर रहा था वो पूरी निष्ठा से और पूरे विश्वास से वो काम कर रहा था। हम मसीह का जीवन, हम जहां भी होते हैं यही विश्वासपना हम हमारे कार्य क्षेत्र में दिखाते हैं, और इसीलिए हमारे आसपास के लोग, हमारे अधिकारी, सब लोग हमसे खुश होते हैं क्योंकि हम हमारे काम में कहीं चीटिंग नहीं करते, हम हमारे काम में कहीं भी शॉर्टकट्स नहीं लेते, हमारे काम में हम पूरी ईमानदारी रखते हैं, कहीं झूठ से या कपट से हम वर्तते नहीं है। नहमिया यरूशलेम का शहर पना क्यों बांधने गया? क्या वो उसके लिए जिम्मेदार था? बिल्कुल नहीं, वो उसका काम नहीं था, परंतु अपने लोगों के लिए वो चिंता करता था, अपने लोगों की फिक्र थी उसको, अपने यरूशलेम की फिक्र थी उसको। यरूशलेम तो हमारा कलीसिया है, पूरे विश्व के ऊपर जो कलीसिया प्रभु यीशु के रक्त से खरीदी हुई है, उस कलीसिया का प्रतीक है यरूशलेम। बाबिल तो वो है जो अपने मत के अनुसार नए नए डिनोमिनेशंस बनते हैं। हमारी खुद की कलीसिया में जो लोग अपने ख्यालों से चलते हैं, जो प्रभु का वचन जो नहीं बताता उस तरह से चलते हैं, वो बाबिल है। यरूशलेम को संभालना वो हर एक विश्वासी का काम, यरूशलेम के अंदर पूरी सुरक्षा हो और प्रभु की पवित्रता बनी रहे, ये हर एक विश्वासी का काम है। नहमिया के जीवन की एक और खास बात ये थी कि वो हमेशा हमेशा प्रार्थना में रहता था, हमेशा अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना करता रहता था। जब वो यरूशलेम आया उससे पहले 5 महीने तक उसने प्रार्थना और उपवास के साथ प्रभु यीशु के चरणों में, परमेश्वर के चरणों में वो रहा। क्या वो अपने लिए कुछ चाहता था? क्या वो अपना कोई प्रोग्रेस चाहता था? वो अपना नहीं, परंतु यरूशलेम का, परमेश्वर के गर्व का वो अच्छा चाहता था। इसीलिए वो वहां परमेश्वर का जो महिमा, जो पवित्रता, जो गौरव था वो वापस लाना चाहता था, इसलिए वो प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठा रहा। ये 5 महीने कोई छोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है, परंतु नहमिया के जीवन में यही एक खास बात थी। वो जब भी कुछ करता उससे पहले वो प्रार्थना करता था, उपवास करता था और सारी चीजें सबसे पहले परमेश्वर के आगे रखता था। वो किसी को कुछ नहीं करता था और परमेश्वर के ऊपर वो छोड़ देता। अभी आगे हम देख रहे हैं कि नहमिया ने अपना काम किया किस तरह से वो काम करने की उसकी पद्धति थी, कि जो इतने छोटे समय में उसने पूरी दीवारें, शहर पना और दरवाजे लगा दिए, जो 90 साल से ऐसे ही बंजर पड़ा था नगर, जहां लोग ऐसे ही भूखे प्यासे रहते थे, जहां लोग गरीब हो चुके थे, उस जगह पे नहमिया ने काम कैसे किया? उसके लिए उसने क्या किया? सबसे पहले वहां पहुंचा, सब लोगों को वहां ऐसे ही रहने दिया, किसी से कुछ बात नहीं करी, परंतु कुछ उसके विश्वास के लोग जो परमेश्वर का डर रखते थे, ऐसे लोगों को लेके वो शहर के पूरी चारों तरफ घूमने गया, देखने गया कि शहर की हालत क्या है, शहर की दीवारों की हालत क्या है, दरवाजों की हालत क्या है। पहले वो खुद चारों तरफ गया, किसी से कुछ बात किए बिना पहले उसने खुद का काम किया। ऐसे नहीं था कि किसी और को भेज दिया कि देख के आओ कि चारों तरफ क्या हालत है, परंतु वो खुद गया और उसके बाद उसने क्या किया कि वहां के लोगों को इकट्ठा किया, वहां के लेवियों को, वहां के याजकों को, वहां के अमीरों को, वहां के काम करने वाले ऐसे सारे जनों को इकट्ठा किया और उसने परमेश्वर को फिर से याद दिलाया। वो लोग काफी समय से परमेश्वर से परे हो गए थे। सबसे पहले काम उसने ये किया कि उन्होंने परमेश्वर को याद दिलाया, किस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, किस तरह से राजा ने उसको मदद की, किस तरह से सारी व्यवस्था होगी, उनको अपने विश्वास में लिया और उन सबको प्रोत्साहित किया। उन सभी ने नहमिया की बात पे भरोसा करके जो दीवार थी, शहर पना था और जो दरवाजे थे उसके काम करने के लिए सारे ही लोग राजी हुए और उन्होंने बनाना चालू किया। जब दूसरे लोगों ने, उनके शत्रुओं ने ये बात सुनी तो उनकी हंसी करी, उनसे गुस्सा हो गए, परंतु लोगों ने उनके तरफ देखा नहीं। नहमिया ने उनको परमेश्वर को सौंप दिया, परमेश्वर को जो करना होगा वो परमेश्वर करेगा। इस तरह से नहमिया ने उनको परमेश्वर के लिए छोड़ दिया, नहमिया ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे वो लोग है ही नहीं वहां पे। और लोगों ने बड़ी मेहनत से शहर पने को ठीक करना चालू कर दिया, दरवाजे को ठीक करना चालू कर दिया, जिसमें लेवी भी थे, याजक भी थे, आम काम करने वाले भी थे, आम आदमी भी थे, यहूदी लोग भी थे, सोनी लोग भी थे, व्यापारी लोग थे। नहमिया ने उन सब को इकट्ठा करके एकजुट कर दिया था, उनकी एकता में उसने इतना उत्साह डाल दिया था कि लोगों को वो नजरअंदाज करने लगे और जो काम करने के लिए वो चालू किया था वो काम बस करते रहे और कुछ ही दिनों में उसने आधा शहर पना था वो पूरा कर दिया। जैसे जैसे काम होता गया वैसे वैसे उसके शत्रु भी और ज्यादा उससे गुस्सा होने लगे, उससे डरने लगे और उन लोगों ने और ज्यादा उसको परेशान करने का चालू कर दिया। परंतु नहमिया एक बहुत
बहुत अच्छा लीडर बना, बहुत अच्छा व्यवस्थापक था। उसने क्या किया, जहां भी जगह कोर्ट की जगह जहां पे भी खाली थी वहां पे तलवार और शस्त्र लगा के लोगों को रख दिया। ऐसे वॉचर्स रख दिए कि जो बाहर का और अंदर का दोनों को ख्याल रखते। ऐसे लोग उसने वहां पे छोड़ दिए कि जो लोग काम भी करते थे और शस्त्र भी रखते थे। एक हाथ में उनके काम था, एक हाथ में उनके शस्त्र था। आज हम जब भी काम करते हैं तो हमारे हाथ में भी ऐसे ही दो हथियार होते, एक शैतान से लड़ने वाला और एक कलीसिया को बनाने वाला, वचन को बनाने वाला, अपने लोगों की मदद करने वाला, परमेश्वर के राज्य को बनाने वाला हथियार। लोग क्या करते थे कि दिन में काम करते थे और रात को सुरक्षा के लिए हर जगह तैनात रहते थे। जो भी अपने घर के आसपास की जगह होती थी वहां लोग तलवार रह के, शस्त्र ले के बाहर के हमलों से बचने के लिए हमेशा जागते रहते थे, अपने कपड़े नहीं चेंज करते थे और ऐसे के ऐसे जहां भी जाते जो भी काम करते वहां शस्त्र उसके साथ हमेशा रहता था। आज प्रार्थना हमारा शस्त्र है, वचन हमारा शस्त्र है। उस हथियार को लेके हम हमेशा रहे, जहां भी जाए जो भी काम करे उन सभी में हमारा हथियार हमारे साथ होना चाहिए। आगे जाके ये होता है कि नहमिया तो रुकता नहीं है, कोर्ट का काम शहरपनाह रुकती नहीं है, पर लोग बड़ी ही मेहनत से काम किए जा रहे हैं। तब जो शत्रु थे वो बौखला गए, उनको समझ नहीं आया कि अभी क्या करें। वो अलग अलग तरह के प्रपंच रचने लगे। नहमिया को किसी भी तरह से वो मार डालना चाहते थे। उन लोगों ने बार बार इसको पत्र लिख के कहीं मिलने के लिए बुलाया, पर नहमिया जानता था कि मिलने के लिए वो केवल इसलिए बुला रहे हैं कि वो उसका बुरा चाहते हैं, या तो उसको मार डालना चाहते हैं या उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना चाहते हैं। नहमिया ने उनको बस एक जवाब दिया कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं और आपके पास आके मैं अपना काम रोकना नहीं चाहता। हमारे लोगों, आज हम भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते, चाहे किसी भी तरह के प्रलोभन हो, किसी भी तरह के हमारे ऊपर अच्छी बातें लाने के लिए शैतान कोई भी युक्ति लगाए, कोई भी चाल चले, परंतु हम जिस काम को लेके चल रहे हैं वो सारे ही कामों से बहुत बड़ा है। इस काम को हम नहीं छोड़ सकते, इस काम के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ये काम सबसे बड़ा है। जब नहमिया इन लोगों की बात नहीं माना तब उन लोगों ने क्या किया कि कुछ जहां यरूशलेम के अंदर कुछ प्रबोधक थे उनको खरीद लिया और उनसे नहमिया से बात करवाई कि नहमिया डर जाए, किसी भी तरह से वो समझे कि अच्छा प्रबोधक ने किया है तो इस बात को मानना चाहिए। परंतु नहमिया इन लोगों को परख लिए थे। जैसे पवित्र आत्मा आज हमें दिया गया है, पहले पवित्र आत्मा नहीं था, पहले आत्मा की परख नहीं थी, परंतु नहमिया परमेश्वर के डर में हमेशा चल रहा था, इसलिए वो जान गया कि ये प्रबोधक परमेश्वर की वाणी नहीं बोल रहा है परंतु इन लोगों को खरीद लिया गया है। तब उसने उन्हों की बात नहीं मानी और अपना काम हमेशा चालू ही रखा। 92 दिन पे कोर्ट का काम खत्म हो गया और पूरा जो शहर बना था वो बन गया, दरवाजे लग गए और जो शत्रु थे वो सारे निराश हो गए, सारे ही डर गए कि ये काम तो केवल परमेश्वर का है और सारे ही इनसे भाग गए। तब नहमिया ने सबसे पहले ये काम किया कि सबको इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके उसने परमेश्वर का वचन सुनाया, परमेश्वर की वचन की समझ दी और सभी लोग के मन इतने दुखी हो गए अपने परमेश्वर को छोड़। लोग अपनी ही बातों में, अपने ही दुखों में इतने आगे चले गए थे कि वो लोग परमेश्वर का वचन भूल गए थे। जब नहमिया ने वचन को सुनाया, वचन की समझ दी, तब वो लोग बहुत दुखी हो गए, बहुत रोने लगे, परमेश्वर के लिए रोने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने फिर से उनको इकट्ठा कर लिया था, फिर से परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी थी, फिर से परमेश्वर ने उनकी सुधि ली थी। जैसे अफिसियों की पत्री उसका 3:20 आयत में कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे द्वारा काम करती है और ऐसा अद्भुत काम करती है कि जिसका कोई मेल नहीं होता। जब लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना तो परमेश्वर की स्तुति करी उन्होंने, परमेश्वर का भजन किया और इतने खुश हुए कि बहुत सालों के बाद वो परमेश्वर से फिर से जुड़ गए थे। लेवियों ने वहां उनसे कहा कि यहोवा का आनंद ही आपका सामर्थ्य है, वो हमारा दृढ़ गढ़, यहोवा का आनंद ही हमारा सामर्थ्य है। जब प्रभु में हम आनंद करते हैं तो इतने सामर्थ्य से बढ़ जाते हैं कि उसके सामने कोई भी शत्रु हो हार जाएगा, क्योंकि युद्ध तो हमारा यहोवा लड़ता है। नहमिया ने लगातार 7 दिन तक परमेश्वर का वचन समझाता रहा, सुनाता रहा। लेवियों ने और जो भी शास्त्री थे वो लगातार हर रोज सुबह से लेके शाम तक परमेश्वर का वचन
लोगों को कहते थे और सातवें दिन पे सब लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के लिए खाना बनाया, एक दूसरे के लिए लोगों ने चिंता करी और सातवें दिन पे सभी लोगों ने मिलके परमेश्वर के आगे घुटने टेके, अपने पापों को कबूल किया, अपने पिताओं के पापों को, पितरों के पापों को कबूल करके परमेश्वर की स्तुति करी। फिर नहमिया ने ये किया कि सब काम हो चुका था, उसके बाद सबसे बड़ा काम था कि अब आगे का जीवन उनको किस तरह से जीना है। सबको उसने एक एक काम दे दिया, किस तरह से वो आगे का जीवन जिएंगे, किस तरह से परमेश्वर की सेवा करेंगे, किस तरह से वो लोग आगे के जीवन के लिए सारे ही क्रम होंगे। उनके पास नियम शास्त्र था, नियम शास्त्र के अनुसार उसने सभी लोगों को कार्यों का आवंटन कर दिया कि जिससे कभी भी आगे भी जाके कोई किसी भी तरह से जो काम नहमिया ने चालू किया था, जिस तरह से परमेश्वर के साथ इसराइल के लोग संगति में आए थे, वो संगति वापस टूट न जाए, परमेश्वर का काम, परमेश्वर के मंदिर के अंदर परमेश्वर की सेवा हमेशा चालू रहे, इसके लिए आगे के लिए जो भी काम था सब कुछ उसने वहीं पे सबको दे दिया। क्योंकि अगर काम एक एक लोगों को नहीं दिया गया होता तो आगे क्या करना है वो हमेशा ही एक असमंजस रहती, एक कंफ्यूजन रहती कि किसको क्या काम करना है, फिर कोई झगड़ा होता, फिर इस तरह से कुछ ना कुछ आगे जाके परमेश्वर को काम को चोट पहुंचाता। परंतु नहमिया ने सारे काम हर एक जन को दे दिए क्योंकि नगर बड़ा था और लोग कम थे, तो सारे काम सभी लोगों को दे के नहमिया ने सबसे पहला काम ये किया कि मंदिर की शुद्धि करी। जो भी अपवित्र लोग थे, जो भी परमेश्वर के डर में नहीं थे, उन लोगों को निकाल बाहर फेंका। सबसे पहले उसने ये काम किया कि शहर पने को बांधा, दरवाजों को बंद किया। इसका यही मतलब है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में चल रहे हैं तब बाहर के लोगों के कॉन्टेक्ट से, बाहर के लोगों की बातों से, बाहर के सारे ही आकर्षणों से, बाहर की सारी लालसाओं से, बाहर की सभी तरह की वासनाओं से हमें खुद को पहले मुक्त करना है। उसी के बाद हमारा खुद का जीवन जो है वो पवित्रता की और परमेश्वर के गौरव की और परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो पाएगा। सबसे पहले नहमिया ने पवित्र लोगों को अलग किया, जो भी अयोग्य लोग थे, चाहे वो लेवी के कुल के भी क्यों ना हो, सबको निकाल बाहर किया। सबके हाथों से परमेश्वर की सेवा नहीं होगी, सबको बड़े ही अधिकार से, बड़े ही पावर से सबसे बात करता था वो। ऐसे नहीं कि केवल इंसानों को खुश करने के लिए वो कुछ ना कुछ सबको दे दिया, ऐसे नहीं था। जो परमेश्वर के डर में काम करते थे, जो पवित्र जीवन जीते थे, जिनका सोचना, जिनका मन पवित्र था, केवल उन्हीं को परमेश्वर की सेवा के लिए उसने अलग कर दिया। फिर भी जो लोग बाहर थे वो हमेशा, जैसे आज के जगत में भी बाहर के लोग जो होते हैं वो विश्वासी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए हमेशा वहीं वहां पे होते ही है, वो आज का नहीं है। जब से पृथ्वी का शुरुआत हुई है तभी से शैतान परमेश्वर के लोगों को भरमाना चाहता ही है। जब वहाँ पे सब्बात का दिन था तब बाहर के लोग आके वहाँ पे कुछ बेचना चाहते थे, कुछ देना चाहते थे, कुछ खाना देना चाहते थे, कुछ ना कुछ व्यापार करवाना चाहते थे जो उस दिन नहीं हो सकता था। नहमिया ने उन लोगों को कड़े शब्दों में कह दिया, अब की बार अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें शिक्षा करूंगा। आज परमेश्वर का कोई अधिकारी इतने अधिकार से कहता है क्या? आज हम लोगों से इतने पावर से, इतने अधिकार से, इतने सामर्थ्य से बात करते हैं क्या? नहमिया वो जीवन था जो परमेश्वर के डर में, परमेश्वर की प्रार्थना में, परमेश्वर के चरणों में अपना समय बिताता था। परमेश्वर का सामर्थ उसमें इसीलिए बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो हर बात में परमेश्वर को आगे करता था, खुद कुछ नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर ने उसको इतना सारा सामर्थ दिया कि इतने सारे यरूशलेम के सारे लोगों को वो कंट्रोल कर रहा था, सारे लोगों को वो काम दे रहा था, चाहे वो याजक क्यों ना हो, चाहे वो लेवी कुल का क्यों ना हो, परंतु सब भी लोग नहमिया की बात को मानते थे क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसमें दिखता था, क्योंकि उसने लोगों के अंदर वो उत्साह जगाया था, वो आशा जगाई थी, वो सामर्थ फिर से उनको याद दिलाया था, परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर का जो कार्य था वो उसने लोगों को याद दिलाया था। इसीलिए परमेश्वर का सामर्थ उसमें दिखता था और लोग उसकी बात को इसीलिए मानते थे। आज परमेश्वर हमें वो नहमिया बनाना चाहता है जिसके मन में अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के काम के लिए और उसके राज्य के लिए बोझ हो, जो बिना स्वार्थ के परमेश्वर के घर के लिए काम कर पाए, जो लोगों को पवित्रता याद दिला पाए, जो परमेश्वर की हजूरी को महसूस कर पाए, जो परमेश्वर से डरता हो और पूरा विश्वासी। परमेश्वर आज वो नहमिया ढूंढ रहा है, हमें वो नहमिया बनाना चाहता है। आइए परमेश्वर के चरणों में झुक जाए और परमेश्वर से वो सामर्थ्य चाहे, जो सामर्थ्य उसने नहमिया को दी, आज वही सामर्थ्य से हम परमेश्वर की सेवा के लिए फिर से उठ खड़े, फिर से परमेश्वर का घर बांधने के लिए एक नया निर्णय ले, फिर से
एक नए सोच लेके परमेश्वर के काम में जुट जाए। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, आपके चरणों में हम झुक जाते हैं, क्योंकि आपके लोगों के द्वारा परमेश्वर आप जो अद्भुत काम करते हैं वो अविश्वसनीय है। आज परमेश्वर हम भी आपके चरणों में रह के आपकी सामर्थ्य को पाना चाहते हैं। जिस सामर्थ्य से नहमिया को आपने भरा वही सामर्थ्य हम चाहते हैं। हमारे पापों को प्रभु आप माफ करके हमसे फिर से जुड़ जाइए। हमें वो सामर्थ्य दीजिए, वो आपके चरणों का जीवन दीजिए, वो प्रार्थना का जीवन दीजिए कि जहाँ पे रह के आपकी संगति में रह के आपकी आत्मा से भर जाए, आपका आत्मा का अभिषेक हमें मिले और वो सामर्थ्य मिले कि जो आपके लोगों को आपके पास खींच के ले आए, उस सामर्थ्य से, उस अधिकार से जो भटके हुए हैं, जो आपके घर के बाहर चले गए, उन सबको वापस से खींच के शहर पनाह के अंदर प्रभु जी स्थापित कर पाए, इसके लिए आपकी कृपा चाहिए। बिनती हमारे जिंदा प्रभु यीशु के नाम से, के सामर्थ को मानते हुए, के चरणों में झुकते बिनती करते परमेश्वर आप प्रार्थनाओं को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।